अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफान, जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ दो मीडियम साइज की टमाटर मैं छील निकाल ली हूँ और काट रही हूँ, और यहाँ तीन मीडियम साइज की प्याज है, इसे भी मैं छुंडा कर रही हूँ। अच्छा, अब आप सोचेंगे मैंने बताया तो नहीं कि मैं बना क्या रही हूँ। गुड क्वेश्चन। मैं आज बना रही हूँ मटन भुना, बड़ा ही लजीज बनता है। और अगर आपको चाहिए मटन भुना, आप रोल भी बना सकते हो। मैंने वैसे बनाया है मटन भुना रोल, और मेरे चैनल पे इसका अपडेट भी है वीडियो। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा बनता है। सो चलिए, बस अब मैं ये काटती हूँ और टमाटरों को बारीक काट लेती हूँ और प्याज को मैं छुंदा इसके अंदर कर दूंगी। फिर मिलते हैं काटने के बाद। चलिए मैं क्विकली इसमें इसे थोड़ी मेहनत लगती है। तो चलिए क्विकली किचन में जाते हैं, आप बघारते हैं और बनाते हैं मटन भुना ग्रेवी। एक पतीली के अंदर आप चूल्हा तो सबसे पहले चालू कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच असली घी के। बेस्ट है असली घी डालिए, नहीं तो आप तेल भी डाल सकते हैं। 3-4 काली मिरी, 2-3 लौंग, 1 तेज पत्ता, 2 नंदी दालचीनी की और आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा, इसे डाल दीजिए और फास्ट आंच पर तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ हमने छुंदा करके 3 मीडियम साइज की प्याज रखी है वो डाल दीजिए और उसे भी फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, याद रहे डार्क नहीं करना है। प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाती है कुछ देर में, तो यहाँ 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ 1 से 2 टेबलस्पून जितना मैंने पानी डाला है, क्योंकि मेरी स्टील की पतीली है ना, तो थोड़ा सा ये जो प्याज है ज़्यादा लाल हो जाएगी अगर मैं फ्राई करूँगी तो। अब यहाँ पर अदरक लहसुन को आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो इसमें डाल दीजिए 2 टमाटर हमने बारीक काट के रखे हैं वो, और उसे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए फास्ट आंच पर। अच्छा, साइड पर ना मैंने ये रखा है मटन, तकरीबन आधा किलो मटन है, बोनलेस भी है 1/4 किलो और 1/4 किलो हड्डी वाला। आप चाहे तो पूरी तरीके से हड्डी वाला ले सकते हैं और आप चाहे तो पूरी तरीके से बोनलेस ले सकते हैं। अब मैंने पीसेस इतने मीडियम करे, आप चाहे तो छोटे भी करवा सकते हैं। चूल्हा मैंने अभी मीडियम पर किया है और इसे भी डाल दीजिए 1 मिनट के बाद और इसे फ्राई कीजिए। एक बार मिक्स कर लें गोश्त को, तो ये नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1.5 या 2 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए। मैं 2 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 2 छोटे चाय के चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी है, ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं, अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। इसके साथ साथ आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ मैं अब डाल देती हूँ 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। ये चीज़ें मिक्स कर मीडियम आंच पर इन्हें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई होने दें। अच्छा, अब बार बार चलाते रहें कि चिटके ना। चलिए 7-8 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी बार बार मैं चलाते रही थी तो बिल्कुल भी कुछ चिटका वगैरह नहीं, मीडियम आंच पर ही था। अब डाल दीजिए 3 टेबलस्पून गाढ़ी दही फेटी हुई और इसे मिक्स कीजिए, मीडियम आंच ही रखिएगा, और इसे आप चलाते रहिए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसे आप इसी तरीके से चलाते रहिए और भून लीजिए। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो इसमें 1 कप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप उसे फास्ट आंच पर एक उबाल खिला लीजिए और फिर चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच, अगर आप कढ़ाई में या पतीली में ही बना रहे हैं तो। बट मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ, मैं कुकर के अंदर डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे सारा डालने के बाद इसे प्रेशर कुकर का ढक्कन ढक कर, इसे समझिए ना, 2-3 सीटी फास्ट आंच पर खिला लेती हूँ और उसके बाद स्लो करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दूंगी, या फिर तब तक पकाएं जब तक ये गोश्त पूरी तरीके से गल नहीं जाता। यहाँ पर मैंने गोश्त को सीटी खिलाने स्लो पर रख दिया, जैसे आपने देखा मैं 20 मिनट रख रही हूँ। अब आपका गोश्त ज्यादा कौला है तो 15 मिनट लगेंगे, अगर 20 मिनट के बाद भी अगर आपका गोश्त नहीं गलता है तो आप फिर से थोड़ा पानी डालकर उसे गलाने रख दीजिए कुकर के अंदर, फास्ट आंच पर 1-2 सीटी खिला लीजिए, क्योंकि कभी कभी गोश्त के ऊपर भी डिपेंड होता है ना आपकी क्वालिटी क्या है। तो मेरे तो 20 मिनट में गल जाता है, किसी किसी का ऐसा रहता है कि 15 मिनट में गल जाता है, तो वैसा करना। अच्छा, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा, 1 कप पानी डालकर
ढककर उसे तकरीबन आधा घंटा रहने दीजिए, या कभी कभी आधा घंटा लगता है, कभी पौना घंटा लगता है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर मटन की क्वालिटी। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि मैंने आपको लगा होगा मैंने कढ़ाई में बनाया और फिर प्रेशर कुकर में क्यों डाला, क्योंकि जब मुझे कढ़ाई में बनाना ही नहीं था, ऐसा नहीं है। मुझे क्या था ना कि मैं डायरेक्टली प्रेशर कुकर में हमेशा डाल देती हूँ नॉर्मल वे में, तो घर पे जब बनाती हूँ तो, लेकिन आज आप लोग को सिर्फ दिखाना था तो वो थोड़ा सा खुला खुला है तो आपको दिखेगा अच्छा और वीडियो बेहतर बनेगा, इसके लिए मैंने पहले इसमें डाला मतलब कढ़ाई के अंदर और फिर मैंने ट्रांसफर किया। आप डायरेक्टली कुकर वाले हो और कुकर में बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली कुकर में ही बनाएं, पतीली का इस्तेमाल ही ना करें। और अगर आप पतीली में बना रहे हो, कुकर से गला नहीं रहे हो, सिर्फ पतीली में गला रहे हो, तो पतीली में गला लें, कुकर का इस्तेमाल ना करें। मैंने दोनों किया क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको रीजन दिया है। अच्छा, और मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका कौला गोश है तो डायरेक्टली आप पतीली में ही गला लें, वो तो सबसे बेहतर ही होता है, उसका टेस्ट और ज्यादा बेहतर आता है। बट अभी जरा क्विक मुझे भी बनाना था तो मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। चलिए 20 मिनट हो चुकी है, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और प्रेशर एकदम अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद खोलकर चेक कर लीजिए कि मटन गल चुका है कि नहीं। मैं 1/4 से थोड़ा सा कम पानी डालकर मटन के ऊपर चेक कर लेती हूँ। देखिए हो चुका है माशाल्लाह मटन। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हा मीडियम आँच पर चालू कर देती हूँ। मैं फिर से वही पतीली कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ सो दैट आपको ज़्यादा बेटर दिखाई दे। और इसके अंदर ना अब मैं डाल देती हूँ एक छोटा चक्का चम्मच, हाथों की मदद से क्रश करके डालिएगा कसूरी मेथी। मीडियम आंच पर ही रखिए और इसे बार बार चलाते रहिए और इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक पकाएं, या तब तक पकाएं जब तक तेल फिर से ऊपर नहीं आ जाता और थोड़ा थिक नहीं हो जाती, क्योंकि भूना है, हम भून रहे हैं इसे फिर से, स्टार्ट में भूना था अभी भी फिर से भून रहे हैं। थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, मैं यहाँ छोटा सा आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। थोड़ी सी कोथमीर भी डाल दीजिए, हरा धनिया जिसे आप कहते हैं। चलिए 3-4 मिनट में तो तेल ऊपर आ जाएगा, मतलब घी ऊपर आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं अच्छा सा भुना गया है और थिक भी हो चुका है और बढ़िया सा भुना मटन लग रहा है ना अभी। तो अब मैं कर देती हूँ चूल्हा बंद और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ और एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट के रखा है वो भी डाल देती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। आप चाहें तो इसे रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोगों के लिए चेक कर लीजिएगा वहां। तो चलिए मजेदार सा गर्मा गर्म मटन भुना, आप चाहें तो इसे बोनलेस में बनाएं, आप चाहें तो मेरी तरह हड्डियों वाले मटन में बनाएं, बहुत ही मजेदार बन पाए, या आप चाहें तो इसे इसका चिकन सॉरी मटन भुना रोल बना दें, बहुत ही मजेदार वो भी बनता है। चलिए मैं निकाल लेती हूँ, बिस्मिल्लाह। हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये सारा मैंने मेरे हिसाब से डाला है, नींबू का रस भी मैंने मेरे हिसाब से डाला है। ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी डालें, उसके बाद में आपको कम लगे तो एडजस्ट कीजिएगा। वैसे कुछ मटन की रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गई बढ़िया सी हमारी, लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल की, और इतनी मज़ेदार है ना सच्ची में, उंगलियां चाटते रह जाओगे जब आप ये मटन भुना घर में बनाओगे और सर्व करोगे। और आप भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली को सर्व कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है ये वीडियो को, और हाँ अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, आपको शेयर करना है आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स। तो फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मजेदार सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन एंजॉय मटन भुना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।